नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही कमाल की इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। आपको बताते चलें कि जबलपुर नैनपुर गोंदिया बालाघाट जो रूट है, अब इस रूट में रेलवे मेहरबान हुआ है। अब इस रूट में नई नई ट्रेनों को शुरू किया जा रहा है यात्रियों की डिमांड पर। अब क्यों शुरू किया जा रहा है ये तो आप भी जानते हैं, लेकिन ट्रेनों को शुरू किया जा रहा है तो ट्रेनों के चलने से वहाँ के जो निवासी हैं उनको आने जाने में बड़ी ही राहत मिलेगी। लेकिन अब भारतीय रेलवे से आग्रह है कि अब जितनी भी ट्रेनों को शुरू किया जा रहा है तो सभी ट्रेनों को नियमित रूप से शुरू किया जाए, इनको स्पेशल का दर्जा देकर स्पेशल का किराया ना लिया जाए। आपको बताते चलें कि हमारे रीवा से भी कई मांगे हैं जो कि अभी तक अधूरी हैं, जिन मांगों पर अभी तक किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य नहीं हुआ है। इस बीच हमारे रीवा की एक मांग ये भी थी कि रीवा से पुणे ट्रेन को चलाया जाए, तो हालांकि इस ट्रेन की घोषणा तो हुई लेकिन ऊपर इस ट्रेन के परिचालन को लेकर किसी भी प्रकार की कोई भी बातें नहीं हुई। हालांकि बताया जा रहा था कि बात चल रही है और बहुत ही जल्दी सकारात्मक कार्यवाही की जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। अभी तक रीवा वालों को रीवा से पुणे के बीच में नई ट्रेन की सुविधा नहीं मिल पाई। इनके अलावा आपको बताते चले कि जो महाकौशल रूट है, यानी कि जबलपुर गोंदिया ब्रॉडगेज कन्वर्जन जो रूट है, ये पूरी तरीके से बनके तैयार हो गया है। करोड़ों रुपए खर्च हुए, ये नैरो गेज रूट था। इस रूट को डिसमेंटल करके भारतीय रेलवे ने करोड़ों रुपये खर्च किए और खर्च करने के बाद इसको ब्रॉडगेज में तब्दील कर दिया गया। आपको बताते चले कि ये दक्षिण भारत जाने के लिए सबसे ज्यादा शॉर्टकट रूटों में से एक है। इस रूट से जो भी ट्रेन दक्षिण भारत जाएंगी वो कम समय में और कम किराए में यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचाएंगी। लेकिन जबलपुर गोंदिया ब्रॉडगेज सेक्शन बनने के बाद भी अभी तक रेलवे इस रेलवे लाइन का सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाया, क्योंकि जब नैरो गेज रूट को डिसमेंटल करके ब्रॉडगेज में बदला जा रहा था उस समय भारतीय रेलवे ही चारों तरफ कह रही थी कि दक्षिण भारत जाने के लिए ये सबसे सुगम मार्ग होगा। लेकिन भारतीय रेलवे अभी तक इस रेल मार्ग का फायदा नहीं उठा पाई। हमारे रीवा की तरफ से जो मांग की गई वो बताया गया कि रीवा से मैसूर के बीच में एक नई ट्रेन को चलाया जाए, क्योंकि हमारे रीवा से दक्षिण भारत जाने के लिए एक भी ट्रेन अभी तक नहीं है। अगर रीवा से कोई ट्रेन दक्षिण भारत जाने के लिए शुरू की जाएगी तो इसका फायदा पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर को बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि मैसूर जाने के लिए गिनी चुनी एकाधी ट्रेन इस रूट पर चलती हैं, जो कि ना के बराबर है। अगर भारतीय रेलवे रीवा से मैसूर के बीच में एक नई ट्रेन को शुरू करते हैं तो ये यात्रियों के हित में फैसला होगा, यानी कि हमारे रीवा सतना मैहर जबलपुर कटनी के कई सारे लोग जो हैं, जो कि साउथ इंडिया में रहते हैं यानी कि दक्षिण भारत में रहते हैं, हमारे महाकौशल क्षेत्र के भी कई सारे लोग, दक्षिण भारत उनका आना जाना लगा रहता है, डायरेक्ट ट्रेन के न चलने से काफी परेशानी होती है। इस वजह से विंध्य के लोगों की तरफ से सुझाव दिया गया कि रीवा से मैसूर के बीच में एक नई ट्रेन को जरूर शुरू करना चाहिए। इस ट्रेन के चलने से आम जनता के साथ साथ रेलवे के राजस्व में भी बहुत ज्यादा वृद्धि होगी और ट्रेन की लोकप्रियता भी बहुत ही अच्छी होगी, क्योंकि हमारे विंध्य के जो लोग हैं उनको दक्षिण भारत जाने के लिए सतना जाना पड़ता है। वो सतना से जो लंबी दूरी की ट्रेन आती है, जो कि उत्तर प्रदेश बिहार से आती है, उन ट्रेनों से उनको जाना पड़ता है। ऐसे में उन ट्रेनों में भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, जिस वजह से कंफर्म टिकट नहीं मिल पाती और इतना लंबा सफ़र यात्री मजबूरन उनको करना पड़ता है। तो ऐसे में क्षेत्र के हित में फैसला लेते हुए इस विषय पर सकारात्मक कार्यवाही जरूर करनी चाहिए और रीवा से मैसूर के बीच में एक नई ट्रेन को जरूर शुरू करना चाहिए। हालांकि आपको बताते चलेंगे, दूसरी जो डिमांड की गई थी वो बताया गया था कि मंडला से नागपुर जाने के लिए कोई भी सीधी ट्रेन की सुविधा नहीं है। ऐसे में मंडला से नागपुर जाने के लिए लोगों को बसों के महंगे सफर से यात्रा करनी होती है, जो कि काफी महंगी होती है और आरामदायक बिल्कुल भी नहीं होती है। ऐसे में लोग डिमांड करते हैं, मंडला के लोग भी, कि उनको मंडला से नागपुर के बीच में एक नई ट्रेन की सुविधा दी जाए। हालांकि आपको बताते चले कि अभी फिलहाल जो अंबिकापुर नागपुर ट्रेन की बात चल रही है तो सुझाव दिया गया था कि अंबिकापुर नागपुर ट्रेन को वाया नैनपुर मंडला फोर्ट के रास्ते उसको नागपुर ले जाया जाए, ये मांग की गई थी, लेकिन ये मांग पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही है। अगर ट्रेन अंबिकापुर से नागपुर जाएगी तो अंबिकापुर से नागपुर जाने के लिए उसको बिलासपुर के रास्ते अगर वो जाएगी तो ही उसके लिए ज्यादा बेहतर रूट होगा। अगर वो नैनपुर गोंदिया बालाघाट के रास्ते आएंगे तो ऐसे में समय बहुत ज़्यादा अधिक लगेगा। लेकिन बीच में पेंच ये फंसा हुआ है कि शहडोल से भी नागपुर के लिए ट्रेन चलेगी, तो इसमें ऐसा हो सकता है हफ्तों के 3 दिन अंबिकापुर नागपुर ट्रेन को चलाया जाए और हफ्तों के 4 दिन जबलपुर से तिवारी के बीच वाया शहडोल जो ट्रेन प्रस्तावित है इस ट्रेन को चलाया जाए। हालांकि मीटिंग अभी हो जाए और मीटिंग में निर्णय लेने के बाद ही आपको सटीक जानकारी बता पाएंगे कि क्या निर्णय लिया गया है। इनके अलावा रीवा से पुणे के बीच में एक नई ट्रेन को जरूर शुरू करना चाहिए।
हालांकि रीवा मुंबई ट्रेन चल रही है जो कि हफ्तों में एक दिन चल रही है, तो अब इस ट्रेन के बारे में थोड़ा सा भारतीय रेलवे को जरूर सोचना चाहिए। हम आग्रह करेंगे भारतीय रेलवे से कि रीवा मुंबई हमारी जो ट्रेन चल रही है इस ट्रेन को नियमित रीवा से चलाया जाए। ट्रेन के समय सारणी स्वागत योग्य है, इसको संशोधन करने की जरूरत नहीं है। हालांकि हमारे विंध्य की तरफ से मांग है कि रीवा से पुणे और रीवा से मैसूर के बीच में एक नई ट्रेन को शुरू करके हमारे रीवा वासियों को एक उपहार जरूर देना चाहिए। आपको बताते चलें कि रीवा की हमारी जो ट्रेनें हैं, जैसे कि रीवा उदयपुर जो ट्रेन चला करती थी, इस ट्रेन को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। रीवा मुंबई ट्रेन को शुरू किया गया जो कि हफ्तों के एक दिन चलती है। रीवा डॉक्टर अम्बेडकर नगर ट्रेन हफ्तों के तीन दिन चलती है। लगातार मांग हो रही है कि ट्रेन की समय सारणी को बदला जाए, ट्रेन को नियमित किया जाए। रीवा चिरमिरी ट्रेन जो कि हफ्तों के सातों दिन चला करती थी, मांग हो रही है कि इस ट्रेन को हफ्तों के तीन दिन रीवा चिरमिरी चलाया जाए और हफ्तों के तीन दिन रीवा से अंबिकापुर चलाया जाए। रीवा से राजकोट ट्रेन हफ्तों के एक दिन चलती है। रीवा से केवाड़िया ट्रेन हफ्तों के एक दिन चलती है। विंध्य के लोगों की जो मांग नहीं मानी जाती है, इस वजह से विंध्य क्षेत्र का जो समूह है वो निराश है, क्योंकि हमारे विंध्य क्षेत्र के लोग पिछले कई सालों से आस लगा के बैठे हैं कि उनको नियमित ट्रेन की सेवा दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। भारतीय रेलवे से हम विंध्य क्षेत्र की ओर से आग्रह करते हैं, इन सभी विषयों पर सकारात्मक कार्यवाही जरूर करें ताकि विंध्य क्षेत्र में भी रेल सुविधाओं का विस्तार हो सके। इन सभी विषयों पर आप सभी की क्या राय रहेगी, अपना महत्वपूर्ण सुझाव कमेंट सेक्शन पे जरूर दीजिएगा। बस आज के वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी और क्या है आपका सुझाव। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।